हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं साउथ इंडियन डिश के साथ कोकोनट चटनी। उसी के साथ इडली, सांभर, वड़ा, डोसा, इनके साथ खाई जाने वाली ऑथेंटिक चटनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फ्रेश नारियल लिया है, जिसे हमने बारीक पीसेस में कट करके ऑलरेडी कर लिया था। इस तरीके से आपको कट करना है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। सबसे पहले एक पैन लेते हैं, उसके अंदर हम एक चम्मच तेल डालते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टाइम रखनी होती है चटनी, तो उसका प्रोसेस बता रही हूँ। बिल्कुल टिप्स के साथ थोड़ा ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। एक चम्मच तेल लिया, उसमें हमने एक कटोरी मूँगफली ली है और उसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको मध्यम आँच पर रोस्ट करते रहेंगे, जब तक कि मूँगफली चटक जाएगी। उसके बाद हमने हरी मिर्च ली है, 2 से 3। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने अदरक का टुकड़ा लिया है 1 इंच का, उसको भी थोड़ा सा हम तेल में थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद उसके बाद हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। पूरे टिप्स के साथ बता रही हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। हमने फ्रेश लीव्स लिए हैं करी पत्ते की, आपके पास घर में मोस्टली सभी के घरों में मिली जाती है। उसके बाद हमने उसी कटोरी की नाप से चना लिया है, जो हमारे घरों में मिल जाता है, नहीं तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जब थोड़ा थोड़ा सा ये पकने लगेगा तो फ्रेंड्स, इसको कम आंच करके हमें जो बारीक नारियल के टुकड़े काटे थे, अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा रोस्ट करना है सिर्फ सेकेंड्स के लिए, क्योंकि इसका कच्चापन निकल जाए और हमको लॉन्ग टाइम ये चटनी रखनी रखे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर में इसकी गैस बंद कर देंगे। इस तरीके से फ्रेंड, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आज मैं कोकोनट चटनी बता रही हूँ। मैंने भी ये साउथ इंडियन तरीके से सीखी थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। इसको हमने अच्छे से पका लिया है और इसकी गैस हम बंद कर चुके हैं, क्योंकि हमारा पैन गर्म है, इसलिए कंटिन्यू मैं इसको हिला रही हूँ। और उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और रखने के बाद जब ये ठंडा होने लग जाएगा, हो जाएगा, और उसके बाद हम एक जार में इसको डाल लेंगे। जार में लिया है और ये जो हमारा मिक्सचर है, इसी को हमने इसके अंदर डाल लिया है। एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके हम सारा डाल लें। फ्रेंड्स, याद रहे, इसे गर्म बिल्कुल नहीं पीसना है, ये थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद इसको पीस लीजिए। और इसके साथ हमको ग्रीन चटनी बनानी, तो फ्रेश हमने हरा धनिया डाला है और आप भी डाल लीजिए। साथ में 1 चम्मच नमक डाला है। स्वादानुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी लिया है और पानी भी डाल लिया है। इसके टेस्ट के लिए हमने नींबू लिया है, अगर आप चाहें तो इमली भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा पानी हमने पहले से ही डाल दिया था, और हम ढक्कन लगा देते हैं और उसके बाद हम इसको पीस लेते हैं। देखते हैं कि हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पिसाऊ आ गई है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें दही भी यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच, बट मैंने नहीं किया। मैं बिल्कुल परफेक्टली होटल वाला स्टाइल बता रही हूँ। साथ में 1 चमचा लिया, उसमें अब तड़का लगाएंगे और उसमें तेल डालकर 1 चम्मच राई डाल दी, जिसके अंदर हमने करी पत्ता और रेड चिली दोनों का तड़का लगाने के लिए 1 चमचे के अंदर ही हमने लगा दिया है। बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ फ्रेंड्स, जो आप घर में बना इजी वे में बना सकते हैं। इस तरीके से हमने इसका तड़का लगाया, गैस बंद कर दी थी। थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होने पर मैंने थोड़ा सा मिर्ची जलने लगी, तो मैंने बंद कर दिया। और इसी तड़के को हमने गर्म गर्म चटनी में डाल देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी चटनी बहुत ही अच्छी लग रही है। और खाने में तो ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, जो होटल में बनकर तैयार होती है ना, सेम उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैंने आज आपको बताई है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स, इसको आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सांभर वड़ा डोसा घर में सभी के साथ इस चटनी को बनाया जा सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसके साथ की रेसिपी सांभर इडली की, जो इंस्टेंट मैंने बनाई है सूजी इडली, तो आप नेक्स्ट लास्ट रेसिपी हमारी वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसमें आपको सांभर की रेसिपी और इडली की रेसिपी, जो सूजी से बनकर तैयार हुई है, तो फ्रेंड्स आप वॉच कीजिए और इन्जॉय कीजिए बिल्कुल साउथ इंडियन डिश स्पेशल थाली। तो फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, सी यू।